नमस्कार साथियों, मैं आशीष पांडे एक बार फिर से अध्ययन एकेडमी इलाहाबाद के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हाजिर हूँ परिसंचरण तंत्र का दूसरा भाग लेकर के। ठीक है साथियों, आगे बढ़ना हमारा काम है और जिंदगी का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमको हमेशा आगे देखना चाहिए। पीछे मुड़ के देखने वाले हमेशा ही डिप्रेशन या अवसाद के शिकार होते हैं। तो साथियों, विद्यार्थी जीवन में जब हम किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन में लगे हुए हों, अपने सपनों को जीने में लगे हुए हों, तो हमको कभी भी डिप्रेशन का शिकार या डिप्रेशन के बारे में सोचना नहीं चाहिए। इसलिए साथियों, लगातार प्रयास करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं और सब लोग मिलकर के इस महामारी को, इस जो अवस्था चल रही है, ये तकलीफ की अवस्था, महामारी की अवस्था, इस सबको हम बिल्कुल दूर कर देंगे और एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस में जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र, इसको लेके आगे बढ़ेंगे हम फिर से, इसका पार्ट दो यानी ब्लड ग्रुप। ओके, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रुधिर के बारे में, रुधिर की संरचना, रुधिर के प्रकार, ये सब बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें हम। अब देखिए, पिछले वीडियो में एक चीज आपको मैंने बताना नहीं बताई थी, उसको देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन, HB, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आपका लाल रंग का वर्णक है, जिसमें आपका कह सकते हैं आप इसे, यह आयरन का, माने जो आयरन है मतलब लोहा, यह आयरन युक्त एक कलर पिगमेंट है। ओके, जिसमें हीम, हीम मींस आयरन, और जो प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है? रुधिर में पाई जाने वाली प्रोटीन। ओके, तो हीम और ग्लोबिन मिलकर क्या बनाते हैं? हीमोग्लोबिन। और यह हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। और जैसे ही हमारा ब्लड, यानी हीमोग्लोबिन O2 से जैसे ही कंजुगेट करता है, जुड़ जाता है, वैसे जो हमारा ब्लड है यानी रुधिर है, वो क्या होता है? एकदम चटक लाल रंग का हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त यौगिक है जो कि रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है, और इसकी मात्रा जो होती है वो 13 से 15 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड, यानी प्रति 100 ml ब्लड में रुधिर और हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 13 से 15 ग्राम होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, ब्लड ग्रुप को लेकर के। ब्लड ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होती रहती है, ब्लड ग्रुप। अब देखिए, हमारा जो ब्लड है, ब्लड, मैंने बताया आपको कि ब्लड क्या है? एक परिसंचारी ऊतक है, और परिसंचारी ऊतक माने परिसंचरण तंत्र। देखिए लिखा है ना, परिसंचरण तंत्र, इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने, विलियम हार्वे को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र का जनक। अब दूसरी बात, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप की खोज 1900 में कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज 1900 में, सन नहीं पूछता है बायोलॉजी में, तो ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंड स्टीनर साहब ने की थी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने आरबीसी जो सेल्स हैं, आरबीसी सेल्स में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की खोज की थी। अब देखिए, इसकी खोज हुई क्यों? प्राचीन काल माने उस समय में जब तमाम लड़ाइयां होती थी, या कोई घायल होता था, या किसी को ब्लड डोनेट करना होता था, तो ब्लड डोनेशन तो कर देते थे, लेकिन होता क्या था, कभी कभी कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो वैज्ञानिकों का ध्यान जब इस ओर गया, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों होता है।
तो उन्होंने क्या किया, जो मानव की आरबीसी थी माने ह्यूमन आरबीसी, जब इसको चेक किया गया तो ह्यूमन आरबीसी की जो सेल्स थी, आरबीसी सेल्स, इसकी जो कोशिकला है, कोशिका कला, इसकी कोशिकला पर उन्होंने एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की खोज की जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा गया, जिसे ग्लाइकोप्रोटीन, ओके। इस ग्लाइकोप्रोटीन में इस एक विशेष प्रकार की प्रोटीन मिली जिसे उन्होंने एंटीजन का नाम दिया, एंटीजन। ध्यान रखिएगा, एंटीजन एंटीबॉडी बहुत कंफ्यूज करता है हमको एग्जाम में। आज अगर आप एक वीडियो देख लेंगे तो बिल्कुल आने वाले सभी एग्जाम में, चाहे आप जब दें, कभी भी ब्लड ग्रुप के क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं। तो आरबीसी की जांच करने पर उसकी कोशिका के कोशिकला में जब एंटीजन प्राप्त हो गई, तो एंटीजन जो हुई वो एंटीजन अलग अलग प्रकार की मिली, लेकिन उसी आरबीसी की कोशिकला पर एक और प्रोटीन मिली जिसे उन्होंने एंटीबॉडी का, क्यों, क्योंकि यह प्रोटीन एंटीजन के विपरीत थी, ओके। चलिए इसको देखते हैं अच्छे से फिर से हम। देखिए आरबीसी में क्या मिला आपको, आरबीसी की सेल पर मिला एंटीजन, ये एंटीजन अलग अलग प्रकार की थी। अब देखिए कैसे ये एंटीजन उन्होंने क्या कहा, ए प्रकार की, बी प्रकार की, किसी किसी में दोनों प्रकार की मिली, ए और बी मिली, तो इसको ए भी कहा गया। किसी किसी में एंटीजन नहीं मिला तो उसे जीरो ब्लड ग्रुप कहा गया। ध्यान रखिएगा, ओ ब्लड ग्रुप नहीं, सबसे पहले इसे सी ब्लड ग्रुप कहा गया था, लेकिन जो कि सी ब्लड ग्रुप क्या था, सी ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं था तो इसे जीरो कहा गया, और वर्तमान में इसे हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं, ओके। अब देखिए, क्योंकि जो इसी सेल्स पर, मतलब आपके, मैंने बताया आपके ब्लड में दो पदार्थ होते हैं, ब्लड कणिकाएं मतलब रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा, तो आरबीसी में तो एंटीजन मिल गया, लेकिन जो इसकी प्लाज्मा थी ब्लड की, उसमें प्लाज्मा में एक अलग प्रोटीन मिली जिसे लैंडस्टीनर ने एंटीबॉडी कहा। ध्यान दीजिएगा, एंटीजन आरबीसी की प्रोटीन है और एंटीबॉडी प्लाज्मा की प्रोटीन है, चूंकि एंटीबॉडी जो है एंटीजन के विपरीत थी, इसलिए उन्होंने इसे स्मॉल ए और स्मॉल बी कहा। क्लियर, माने इस आधार पर उन्होंने क्या बोला कि जिस ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन है वही उसे नाम दिया गया, तो एंटीजन के आधार पर ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप का निर्धारण हुआ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है तो ऑप्शन देगा आपका एंटीजन के आधार पर, एंटीबॉडी के आधार पर, प्लाज्मा के आधार पर, या कोई नहीं, तो आपका जो आंसर हो क्या होगा, एंटीजन के आधार पर, माने ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर होता है। अब आइए देखते हैं किस आधार पर उन्होंने ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया। देखिए यहां पे हमने बनाया ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप यहां पे बनाया एंटीजन, और यहां पर एंटीबॉडी, ठीक। अब देखिए बच्चों, तुम ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा इसको। अब देखिए मैंने क्या बोला कि अगर किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में, माने किसी व्यक्ति के ब्लड में ए एंटीजन मिला, किसी व्यक्ति के ब्लड में ए एंटीजन मिला तो उसे ए ब्लड ग्रुप नाम दिया गया, लेकिन चूंकि इसके विपरीत एंटीबॉडी थी तो इसमें जो एंटीबॉडी मिली वह मिली क्या, बी मिली, ठीक। जिस व्यक्ति का एंटीजन ए था उसमें उसे ए ब्लड ग्रुप वाला कहा गया, और उस व्यक्ति में एंटीबॉडी जो मिली वो कौन सी मिली, बी। जब किसी व्यक्ति के ब्लड में बी एंटीजन प्राप्त हुआ तो उसे बी ब्लड ग्रुप वाला कहा गया, और इसे कौन सी एंटीबॉडी मिली, ए एंटीबॉडी। अब किसी के ब्लड में दोनों एंटीजन थे उसे ए बी ब्लड ग्रुप कहा गया, लेकिन इसमें क्या थी, एंटीबॉडी नहीं थी, और जिसमें ओ ब्लड ग्रुप यानी जीरो एंटीजन, माने एंटीजन था ही नहीं, उसे ओ ब्लड ग्रुप कहा गया,
और इसमें दोनों एंटीबॉडी उपस्थित थी। चीजें क्लियर हुई? ध्यान दीजिएगा, इसको हम चकर बोर्ड में कर देते हैं। इसको देखिए, ए एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप यानी बी एंटीबॉडी, बी एंटीजन तो बी ब्लड ग्रुप यानी ए एंटीबॉडी, ए बी ब्लड ग्रुप तो ए बी एंटीजन यानी ए बी ब्लड ग्रुप और नो एंटीबॉडी, ओ ब्लड ग्रुप यानी कि नो एंटीजन तो ए बी एंटीबॉडी। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, फिर से देख लीजिएगा, जिस व्यक्ति की आरबीसी में ए एंटीजन था उसे ए ब्लड ग्रुप कहा गया, और उस व्यक्ति की उसमें एंटीबॉडी कौन सी थी? बी, यानी एंटीजन की हमेशा अपोजिट एंटीबॉडी मिली। बी एंटीजन तो बी ब्लड ग्रुप था, और कौन सी एंटीबॉडी? ए। ए बी ब्लड ग्रुप यानी ए बी एंटीजन तो ए बी ब्लड ग्रुप और नो एंटीबॉडी। ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं था तो इसे क्या कहा गया? ओ ब्लड ग्रुप यानी दोनों एंटीबॉडी, ए और बी दोनों। ठीक है, अब देखिए ये हो गया तो इस आधार पर यह कहा गया कि समान ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों में ही रुधिर आधान यानी ब्लड कोगुलेशन या ब्लड डोनेशन हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड देगा तो वो ब्लड आराम से दे सकता है। जैसे देखिए, बता दे रहे हैं आपको हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए इसको हटाते हैं, बताते हैं कैसे। अब देखिए, अगर ए वाला ए ब्लड ग्रुप वाला ए वाले ब्लड ग्रुप को ब्लड देगा तो चूंकि ए ब्लड ग्रुप वाले में कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन। ए ब्लड ग्रुप वाले में कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन। लेकिन जो ए ब्लड ग्रुप वाला है उसमें एंटीबॉडी कौन सी है? उसमें बी एंटीबॉडी है। जब तक एंटीजन और एंटीबॉडी समान होंगे तो ही रुधिर का थक्का बनेगा। ठीक, और अगर ए ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी रहेंगी तो ब्लड डोनेशन क्या है? आराम से हो सकता है। यानी एंटीजन और एंटीबॉडी समान नहीं होने चाहिए। देखिए कैसे, अगर ए ब्लड ग्रुप वाला ए ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड देगा तो देने वाले का एंटीजन और लेने वाले की एंटीबॉडी चेक होती है, दोनों अलग अलग हैं, अर्थात इनका ब्लड डोनेशन हो सकता है। ठीक है, तो आइए इस आधार पर देख लेते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। बच्चों इसे समझना बहुत जरूरी है, और हम एक 16 खाने का चक्र बोर्ड बनाएंगे, इतना बनता ही है। अगर कोई आपको अच्छे से ब्लड ग्रुप पढ़ाएगा तो जरूर 16 खाने का चक्र बोर्ड जरूर बनाएगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं कैसे। ठीक साथियों, अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहां मैंने बनाया है एंटीजन, एंटीजन मतलब मैंने क्या बोला, दाता जो देता है रुधिर उसका एंटीजन चेक होता है, और जो लेता है उसकी एंटीबॉडी चेक होती है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहां मैंने बनाया एंटीजन, देखिए ए ब्लड ग्रुप तो ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप तो बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप तो ए बी एंटीजन, ओ ब्लड ग्रुप तो ओ एंटीजन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे मैंने बनाया एंटीबॉडी, ए ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी रहेगी, अभी मैंने बताया आपको बी एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं और ओ ब्लड ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी, ठीक है। अब आइए पढ़ते हैं, मैंने क्या बोला, एक फार्मूला में याद रखिएगा, कभी भी ए और ए नहीं होना चाहिए, हमेशा ए और बी होना चाहिए, ठीक। अब देखिए, ए ब्लड ग्रुप वाला अगर ए वाले ब्लड ग्रुप को ब्लड देगा तो चूंकि यहाँ पे ए एंटीजन है और यहाँ पे बी एंटीबॉडी है तो ए और बी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ए ब्लड ग्रुप वाला अगर बी वाले को ब्लड देगा तो देखिए यहाँ पे एंटीजन है, यहाँ पे एंटीबॉडी है, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, ब्लड का थक्का बन जाएगा। ए ब्लड ग्रुप वाला अगर ए बी को ब्लड देगा तो यहाँ पे एंटीजन तो है लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं है, जब कहीं आप हमला करने जाएंगे, जैसे किसी किले पर हमला करना हो, जब किले पे पहरेदार नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एंटीबॉडी नहीं तो आप ब्लड दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंटीजन ये है, यहाँ पे एंटीबॉडी ये है, तो इसको ब्लड आप नहीं दे सकते, क्लियर हुआ। इसी प्रकार बी वाला, बी ब्लड ग्रुप देखिए, बी एंटीजन है, बी एंटीबॉडी है, नहीं दे सकता, बी एंटीजन है, ए एंटीबॉडी है, दे सकता है, बी एंटीजन है, कोई एंटीबॉडी नहीं है, दे सकता है, बी एंटीजन है, बी एंटीबॉडी यहाँ पे है, इसको नहीं दे सकता, क्लियर। अब देखिए ए बी वाला, ए बी एंटीजन दोनों, देखिए ए बी एंटीजन यहाँ पे है तो यहाँ पे एंटीजन है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एंटीजन, यहाँ पे बी एंटीजन नहीं देगा, यहाँ पे एंटीजन, यहाँ पे एंटीबॉडी नहीं दे सकता, यहाँ पे ए बी एंटीजन है लेकिन एंटीबॉडी नहीं है तो दे सकता है, ठीक। यहाँ पे ए बी एंटीजन, यहाँ पे ए बी एंटीबॉडी नहीं दे सकता। ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है, जब हमारे पास कोई रखवाला नहीं है, हमारे पास कोई वारिस नहीं है तो किसी को दो, चलो एंटीजन नहीं है तो सबको ब्लड देगा ये, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं है तो ये सबको ब्लड दे रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये सबसे ब्लड ले रहा है, क्लियर। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, कहने का मतलब अगर एंटीजन और एंटीबॉडी समान है तो ब्लड का थक्का बन जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी अगर अलग अलग है तो ब्लड का थक्का नहीं बनेगा, क्लियर। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों और इसको दोहराइए, फिर से पूछिएगा हमसे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ तो हो गया, ब्लड ग्रुप दे दिया गया कि इसको ब्लड देंगे उसको ब्लड देंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन हुआ क्या, कुछ समय बाद क्या हुआ, स्थिति ये रही कि किसी व्यक्ति को अगर ब्लड चढ़ाया गया तो पहली बार में तो उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर उसी व्यक्ति का ब्लड दोबारा चढ़ाया गया तो उसकी मृत्यु हो गई, ये कैसे। अब उन्होंने कहा यार हमने एंटीजन एंटीबॉडी सबकी खोज कर दी, फिर ये कैसे हुआ, तो अचानक से फिर से वैज्ञानिकों को ध्यान कर गया, 1940 में लैंड स्टीनर के साथ एक वैज्ञानिक और जुड़े वीनर, 1940 में इन दोनों ने मिलकर के हमारे जो आसपास बंदर है, हमारे जो सामान्य बंदर है इन्हें कहते हैं रीसस बंदर, इसी को हम बताएंगे आपको आरएच एंटीजन, जिसे बोलते हैं आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर, बहुत ये भी है बच्चों का कंफ्यूजिंग, थोड़ा देख लीजिए इसको भी, आरएच फैक्टर। तो जब मानव की प्रोटीन चेक हो गई तो उन्होंने कहा कि एक बार क्यों यार बंदरों की प्रोटीन चेक कर ली जाए, बंदरों को मानते हैं कि हमारे पूर्वज हैं, तो चेक किया गया तो उन बंदरों में एक विशेष प्रकार की अलग प्रोटीन मिली, माने अलग एंटीजन मिला, उसे कहा गया आरएच एंटीजन या आरएच प्रोटीन, क्लियर, आरएच कारक। अब देखते हैं इसको वापस, बंदरों की प्रोटीन थी, 1940 में लैंड स्टीनर और विनर ने खोज की इस प्रोटीन को, क्या है या मानव के प्रोटीन से अलग थी, ठीक है, माने जो बंदरों की आरबीसी थी उससे अलग ये प्रोटीन थी और इसने क्या नाम दिया, आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन। अब आगे देखते हैं, अब फिर से वापस मनुष्यों की आरबीसी की जांच की गई, अब जिन मनुष्यों की आरबीसी में यह प्राप्त हुआ माने कौन सा आरएच फैक्टर, तो उन्हें आरएच पॉजिटिव कहा गया, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में तो ए एंटीजन बी एंटीजन ए बी एंटीजन था ही, लेकिन जब उनमें ए बी एंटीजन के अलावा जब ये आरएच फैक्टर मिला तो उन्हें क्या बोला गया, आरएच पॉजिटिव।
और जिनमें ये प्रोटीन नहीं मिले उन्हें आरएच नेगेटिव कहा गया और यहीं से शुरू हुआ हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट। अब इसको देख लेते हैं कि जिसमें पॉजिटिव मिला जिसमें नेगेटिव मिला तो आगे कहानी कैसे होगी। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए जिनमें ये प्रोटीन मिली उन्हें आरएच पॉजिटिव कहा गया और जिनमें नहीं मिली उन्हें आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव जो है ये वर्ल्ड वाइड लगभग 85% होते हैं, ये वर्ल्ड वाइड लगभग 85% होते हैं। और साथियों एक बात और बता दूं, एक जो होता है कॉमन ब्लड ग्रुप वो है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के मनुष्य इस दुनिया में सबसे अधिक होते हैं और ओ ब्लड ग्रुप है इसे क्या बोलते हैं, इसे यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता भी कहते हैं और ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहते हैं। ए बी क्या बोलते हैं, सर्वग्राही। ठीक, अब देखिए आर एच पॉजिटिव और निगेटिव का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। क्लियर हो गया आर एच पॉजिटिव निगेटिव, अब इसको हम देखते हैं। अब देखिए अब यहाँ पे विज्ञान में एक रोग होने लगा, अगर किसी आर एच पॉजिटिव व्यक्ति की शादी किसी आर एच निगेटिव महिला से करा दी जाए, आर एच पॉजिटिव मेल प्लस आर एच पॉजिटिव फीमेल, आर एच पॉजिटिव मेल से किसकी शादी हो, आर एच फीमेल माने माइनस जो है फीमेल महिला की, तो चूंकि आर एच पॉजिटिव जो है आर एच निगेटिव ब्लड में अगर जाएगा तो यहाँ पे ब्लड का छक्का तो नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि वह इसके प्रति क्या है, इसमें क्या एंटीबॉडी तो है ही नहीं, तो माइनस है ना। लेकिन क्या होगा, इसमें धीरे धीरे एंटीबॉडी बननी शुरू हो जाएगी। हमारे शरीर की खासियत होती है यदि हम पानी भी अपने भीतर लेते हैं तो हमारे शरीर के भीतर जो हमारी एंटीबॉडी है ना वो तुरंत तलवार वलवार लेके खड़ी जाती है, ये आउट में छोड़ेंगे नहीं, मर्डर ऑन द स्पॉट। तो एंटीबॉडी तुरंत सक्रिय होती है। तो जैसे ही आर एच पॉजिटिव का ब्लड आर एच निगेटिव में जाएगा तो ये क्या करेगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना चालू कर देगी, सेम एंटीबॉडी। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, विज्ञान में एक रोग होता है जिसे कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। बच्चों इसे याद रखिएगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ठीक, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस ये है क्या, देख लेते हैं। यदि किसी आर एच पॉजिटिव पुरुष की शादी आर एच नेगेटिव महिला से करा दी जाए तो जो उन दोनों से पहली संतान उत्पन्न होगी, माने बेबी जो उनसे उत्पन्न होगा, जो पहला बेबी होगा वो तो पैदा नॉर्मल मतलब वो पैदा हो जाएगा, उसको कोई हानि नहीं होगी। लेकिन चूंकि ब्लड इसे मिल चुका है तो इसकी एंटीबॉडी जनरेट होने लगती है, जैसे ही दूसरा बच्चा तीसरा बच्चा चौथा बच्चा जो भी है इसके बाद जैसे ही गर्भ में आएगा, तो चूंकि आप कॉन्सेप्ट में ध्यान देना आपको ना कि ए और ए समान एंटीजन समान एंटीबॉडी, तो ये जो एंटीबॉडी है ये सेम आर एच पॉजिटिव की तरह बनने लगती है और पहले बच्चे के बाद के जितने भी बच्चे हैं सबकी मृत्यु होने लगती है, चाहे गर्भ में या पैदा होने के बाद। इसी अवस्था को विज्ञान में क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ओके, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो बच्चों ये भी हमारा टॉपिक आज पूरा हुआ, ब्लड ग्रुप मतलब ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी और आरएच फैक्टर। ओके, अब हमारे ब्लड के दो चैप्टर पूरे हो चुके हैं, पहला ब्लड उसकी संरचना और दूसरा ब्लड ग्रुप। अब हमारा एक टॉपिक और बचता है हार्ट के बारे में जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों जो चीज़ें आपको समझ में आई हो बिल्कुल आप चैनल के कमेंट बॉक्स में उसको बताइए हमको, उन चीज़ों को बताएंगे आपको हम। और बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एंजॉय कीजिए अध्ययन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़कर। ठीक है बच्चों, चलिए शुक्रिया, जय हिंद।